खोलिए शतरंगी जी। लगता है वो अभी तक सपना देख रहे हैं, है ना? लेकिन ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? बीरबल, ये क्या हो रहा है? ये कैसी हड़बड़ी मची हुई है वहां? जाप बना जा फिर जाओ, हम देते हैं। हम यहाँ कंचे खेलने के लिए नहीं खड़े। जा बना बलदेव जी, आप अगर आराम से बोलेंगे तो भी आवाज वहां तक पहुंच जाएगी। मालूम है जा बना। ये सतरंगी जी उठ नहीं रहे हैं, उठाने के लिए हम दरवाजा पीट रहे हैं। बाप रे बाप, इसे कुछ हो तो नहीं गया? चांद को वापस लाने का हाल हमें कौन बताएगा? हम अपनी सहेलियों को कौन सा मुंह दिखाएंगे? फूफी, ऐसा मुंह दिखा देना आपकी बात भी हो जाएगी और मुंह भी नहीं दिखेगा, है ना? अरे पहले जरा ठीक से पता तो कीजिए कि माजरा क्या है। इतने सारे गबरू जवान हैं, आप लोग तोड़ दीजिए दरवाजा। ठीक है जामना, हम तोड़ते। अरे रानी साहिबा रुकिए, दीवारें तोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, दरवाजा तोड़ने के लिए कह रहे हैं। इतने सारे हैं, बाकी के वो तोड़ेंगे। अब्बा हुजूर, हम है ना शाही खून है हम अभी अपने शाही फौलादी हाथों से ये छोटा सा दरवाजा तोड़ देते हैं। सलीम आइए। सलीम बेटा, अरे सलीम बेटा, बेटा तू ठीक तो है? एमी एमी जी। क्या एमी है जी? अम्मी जान हम ठीक है। अरे सतरंगी, तुझे अभी दरवाजा खोलना था। अभी दीद खुली तो हमने दरवाजा खोल दिया। अरे सतरंगी जी, हम कब से दरवाजा पीट रहे और आपकी नींद ही नहीं खुलती। कुंभकर्ण के 100वें अवतार, वो इतने दिन बाद आराम का गद्दा मिला था तो हम भी आराम से सो गए। ओहो, देखिए आप हमारे महल में रहिए और आपको खर्राटे मार मार के जितना और सोना है आप सोइए। सबसे पहले ये बताइए कि आपके सपने में वो चांद को वापस लाने का कोई हल मिला? क्या हुआ? हाँ सपने में कुछ तो देखा था मैंने। हाँ सपने में हमने देखा ईद का चांद वापस लाने के लिए शहजादे सलीम को एक दिन तक मुर्गा बनना होगा। हाँ सलीम तो बचपन से ही मुर्गा बनते आया है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मुर्गे को मुर्गा बनना पड़ेगा। जरूर जरूर बनेंगे वो मुर्गा। और कुछ? वो रानी साहिबा, आपको एक दिन भूखे रहना होगा। नहीं नहीं, वो रहेंगी रहेंगी, वो भूखी रहेंगी, जरूर रहेंगी, क्यों नहीं रहेंगी। और कुछ? जापना, आपको नंगे पांव आधे पहर तक। अरे हाँ हाँ, ये भी कोई बात हुई? नंगे पैर हमें आधे पैर चलना है? अरे आप कहेंगे हम तीन चार पैर चल जाएंगे नंगे पैर। अभी 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 चलना शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं जापना, हमने सपने में देखा आपको नंगे पांव गरम अंगारों पे आधा पैर बिताना होगा। क्या क्या कहा आपने? तपते अंगारों पर? हाँ हम माफी चाहेंगे लेकिन हम तपते अंगारों पर नहीं चल सकते। हमें जो ऊपर वाले ने दिखाया सपने में वो हमने आपको बता दिया। ये सब होने के बाद सब लोग खुशी खुशी ईद मना रहे थे। इसका मतलब इस बार ईद तब मनेगी जब ये तीनों चीजें एक साथ होंगे। हाँ तो हम चले। सतरंगी जी, आप कहाँ जा रहे हैं? देखिए आप शाही मेहमान बन कर रही है, शाही भोजन कीजिए और सो जाइए, क्योंकि नींद तो दिन में भी आ सकती है और जब नींद आएगी तो सपने आएंगे। सपने आएंगे तो आपको और सरल उपाय मिलेंगे चांद को लाने के। ठीक है तो आप सोइए, सपने देखिए और बेहतर और सरल उपाय बताइए चांद वापस लाने के। ठीक है, इनके लिए शाही भोजन। आराम कीजिए, आप सपने देखिए, जाने दीजिए और अच्छे सपने देखिएगा। हाँ, इस समस्या का हल दीजिए हमें।
आदाब बलदेव जी। आदाब आदाब दिलखुश कव्वाल जी, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेगम साहब कहाँ हैं? आई है ना। अरे बेगम अफसाना। आदाब आदाब, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अभी हम व्यस्त हैं, बाद में आप लोगों से मिलता हूँ। जी। आइए दिलखुश जी, आइए। आप यहाँ खड़े खड़े अपने पैरों को तकलीफ क्यों दे रहे हैं? जाइए। मतलब आइए, हम आपको आपका कमरा दिखाते हैं, मेहमान खाना। आइए जी। शुक्रिया। बस ये रहा आपका मेहमान खाना, आइए जाइए जी। ये तो खिड़की है। दरअसल हमारे यहाँ महल में सारे मर्द खिड़की से ही जाते हैं। जाइए जी, जाइए ना, जाइए। अरे आप कहाँ जा रही हैं? ये मर्दाना कमरा था, जनाना कमरा महल के उस तरफ है अनजाना। हमारा नाम अफसाना है। माफ कीजिए, चलिए उस तरफ, उस तरफ, चलिए उस तरफ। अपना हम भूखे प्यासे रह लेंगे, पर आपको अंगारों पर खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। रानी साहिबा, रमजान के पूरे महीने रोजे रखने के बाद जब लोगों को ईद का चांद दिखाई देता है तो जैसे उनके अंदर एक खुशी की लहर सी दौड़ती है, जैसे उनको उनकी तपस्या का फल मिल गया हो। बच्चे अपने माँ बाप से जिद करके नए नए कपड़े सिलवाते हैं। हमारी रियासत के गरीब लोग जकात पाने के लिए हमारे महल के बाहर दिन रात खड़े रहते हैं और वो जकात जो उन्हें मिलती है उससे उनकी ईद बनती है। रानी साहिबा, अब आप ही बताइए, अगर चांद ही नहीं निकला तो इन सारे लोगों की खुशियों पे जैसे ग्रहण लग जाएगा। पर जहां पना, ईद तो तब मनेगी ना जब चांद दिखेगा, और उसके लिए आपको आधा पैर नंगे पांव अंगारों पर खड़े होना पड़ेगा। वो बादशाह क्या रानी साहिबा, जो अपनी रियाया की खुशी के लिए कुर्बानी भी ना दे पाए। हम आधा पैर नंगे पांव अंगारों पर गुजारने के लिए तैयार है। जापला, आप ऐसा नहीं कर सकते, इससे आपकी जान भी जा सकती है। उधर बहना खाना पीना छोड़कर बैठी है। अब आप ही बताइए बलदेव, हम और कर भी क्या सकते। अगर एक जान जाने से हजारों लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है तो हम ये खुशी खुशी करने के लिए तैयार हैं। अभी बताता हूँ बुबू, आपने सारा काम ही गड़बड़ कर दिया है। फुफू, ये सतरंगी कह रहा है कि इसको रात को नींद आई तो सपना नहीं आया, दिन में इसको नींद नहीं आई। अब नींद नहीं आई तो सपना तो आना चाहिए ना। जापना, रात में इतना सो लिया कि अब दिन में कैसे नींद आएगी, और नींद नहीं आएगी तो सपना भी नहीं आएगा। जाने दीजिए ना जापना मुझे। नहीं सतरंगी, अब तो अपने सपने को सच होता हुआ देख कर ही आप यहाँ से जाएंगे। शाम होने से पहले अंगारे बिछाए जाए, हम आधा पहर अंगारों पर गुजारेंगे और जरूर गुजारेंगे, और आसमान में चांद को एक बार फिर वापस ला कर रहेंगे। राजा बीरबल की जय हो। आपने जो कहा था हमने सब पता कर लिया। जल्दी बताइए।